दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि गुप्ता जी, मिश्रा जी और प्रोफेसर सुरंग में फंस गए थे, क्योंकि सामने मॉमी और ऊपर हगी वगी था। सभी अपनी जान बचाने के लिए सुरंग से दूसरी तरफ भागते हैं, पर हगी वगी वहाँ भी आ जाता है, जिसके बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी का जान बचाने के लिए प्रोफेसर मॉमी को रोकता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी सुरंग से निकल कर जंपर के पास जाते हैं, जहाँ उन्हें बाबा का पता चल जाता है। जंपर के साथ गुप्ता जी और मिश्रा जा रहा होता है, पर सामने मॉमी और हगी वगी वापस से आ जाता है, जिसके बाद जंपर उन दोनों को जलाकर मार देता है। दोनों के मरते ही सभी आगे बढ़े ही थे, पर तभी सामने मिस डिलाइट आ जाती है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी, अब ये कौन है जो हमारे सामने आ गई है? और उसकी शक्ल तो देखिए, जो बहुत ही डरावनी दिख रही है। हाँ मिश्रा जी, मुझे लगता है ये कैटनैप का ही कोई साथी है, पर वो अभी तक एक ही जगह पर क्यों रुकी हुई है? पता नहीं गुप्ता जी, पर मुझे लगता है कि ये दिखने में सिर्फ डरावनी है, हमारे लिए खतरनाक नहीं है, नहीं तो ये अभी तक हम पर हमला कर चुकी होती। हाँ मिश्रा जी, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब चलो यहाँ से निकलना है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और जंपर आगे बढ़ने के लिए जैसे ही अपनी नज़र मिस डिलाइट से ओझल करते हैं, तभी मिस डिलाइट उन लोगों के पास आ जाती है। गुप्ता जी, ये तो अभी वहाँ थी, पर अब हमारे नजदीक आ गई है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तुमने बिल्कुल सही कहा मिश्रा जी, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसलिए चलो दोनों एक साथ टॉय ब्लास्टर से इस पर हमला करते हैं, फिर देखते हैं ये क्या करती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी टॉय ब्लास्टर से मिस डिलाइट पर हमला करते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता है। इम्पॉसिबल, ये कैसे संभव है? हमारे वार से इसे कुछ क्यों नहीं हुआ? जंपर, क्या तुम इसके बारे में पता लगा सकते हो कि आखिर ये कौन है और इसकी कमजोरी क्या है? गुप्ता जी के बोलने पर जंपर मिस डिलाइट के बारे में पता लगाने लगता है, और इधर गुप्ता जी, मिश्रा जी मिस डिलाइट पर नजर बनाए हुए होते हैं। गुप्ता जी, अब तो मुझे काफी डर लग रहा है, क्योंकि ये हगी वगी और मॉमी से ज्यादा खतरनाक लग रही है। हाँ मिश्रा जी, डर तो अब मुझे भी लग रहा है, इसलिए तो मैं जंपर से इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। गुप्ता जी और मिश्रा जी मिस डिलाइट पर नजर बनाए हुए होते हैं, तभी जंपर को पता चल जाता है कि आखिर ये कौन है। जंपर को पता चलते ही वह गुप्ता जी और मिश्रा जी को मिस डिलाइट पर नजर बनाए हुए रखने को बोलता है। क्या हुआ जंपर, आखिर तुमने इसके बारे में क्या देख लिया जो तुमने हमें नजर बनाए हुए रखने को बोला है? गुप्ता जी के पूछने पर जंपर बताता है कि इसका नाम मिस डिलाइट है, और यह बहुत ही खतरनाक टीचर है, यदि हम इसे देखेंगे नहीं तो वह हम पर हमला कर देगी। और हाँ, मिस डिलाइट कैटनैप का साथी है, उसी ने मिस डिलाइट को यहाँ भेजा है। ये क्या बोल रहे हो जंपर, यदि हम में से कोई मिस डिलाइट को नहीं देखेगा तो यह हम पर हमला कर देगी। गुप्ता जी, अब हम यहाँ से कैसे आगे बढ़ेंगे? मिश्रा जी, इसका रास्ता तो जंपर ही बताएगा। गुप्ता जी के पूछने पर जंपर बताता है कि मिस डिलाइट को देखते देखते आगे बढ़ना है, ताकि वह हम पर हमला ना कर सके, और इसकी कमजोरी बस एक ही है, इसे कुचल कर मारा जा सकता है। जंपर का बात गुप्ता जी और मिश्रा जी समझ जाता है, इसलिए जैसा जंपर ने बताया ठीक वैसा ही दोनों करने का फैसला करता है। दोस्तों, आज सुबह 10 बजे आपके अपने न्यूज चैनल गुप्ता जी भूतिया कहानी में एक नई कहानी आ रही है, जिसका नाम भेड़िया मानव है, तो देखना मत भूलना, ये कहानी बहुत ही मजेदार है। मिश्रा जी और जंपर, मेरे दिमाग में एक उपाय है, इसलिए जैसा मैं बोलता हूँ ठीक वैसा ही तुम दोनों करना। ठीक है गुप्ता जी, जल्दी से उपाय हमें बताइए। गुप्ता जी अपना आइडिया दोनों को बताते हैं, जिसके बाद वह और जंपर जल्दी से पीछे की तरफ भागता है, पर मिश्रा जी मिस डिलाइट को देखता रहता है। गुप्ता जी और जंपर के जाने पर मिश्रा जी को थोड़ा डर लग रहा था। गुप्ता जी, अब और कितना देर मैं इसके सामने खड़ा रहूं? जल्दी वापस आइए। मिश्रा जी मिस डिलाइट पर काफी समय से नजर बनाए हुए था, तभी उसे गुप्ता जी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मिश्रा जी, अब तुम वापस पीछे आ सकते हो, क्योंकि मैं मिस डिलाइट को देख रहा हूँ। गुप्ता जी का आवाज सुनते ही मिश्रा जी पीछे की तरफ भागता है, जहाँ उसे गुप्ता जी एक कार के साथ दिखाई पड़ता है। जंपर और मिश्रा जी, अब तुम दोनों मिस डिलाइट पर नजर बनाए रखो, तब तक मैं इस कार से उसे कुचलता हूँ। गुप्ता जी जैसा बोलते हैं ठीक मिश्रा जी और जंपर मिस डिलाइट को देखता रहता है, और गुप्ता जी कार तेजी से चलाकर आगे की ओर बढ़ते हैं। मिस डिलाइट, तू तो अब गई।
गुप्ता जी कार को चलाकर बाहर कूद जाते हैं, जिसके बाद कार मिस डिलाइट को कुचलने वाला होता है, पर मिस डिलाइट अपने हथियार से कार पर वार कर देती है। कार पर वार होते ही वह पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ओह शिट, जितना मैं सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा होशियार और ताकतवर निकली। इससे अपना पीछा छुड़वाना इतना आसान नहीं होगा। जंपर, गुप्ता जी का आइडिया तो फेल हो गया। लगता है अब तुम ही कुछ कर सकते हो। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मिश्रा जी के बोलने पर जंपर अपना दिमाग लगाता है और अपना साइज बड़ा करके मिस डिलाइट को कुचलने के लिए निकल जाता है। जंपर, उसके पास मत जाओ, वो तुम्हें मार देगी। जंपर मिस डिलाइट को कुचलना चाह रहा है, पर वो ऐसा कर नहीं पाएगा। मुझे उसे रोकना चाहिए। जंपर रुक जाओ। जंपर, गुप्ता जी और मिश्रा जी के कई बार बोलने पर भी जंपर रुकता नहीं है, और वह जैसे ही मिस डिलाइट को कुचलने वाला होता है, तभी मिस डिलाइट अपने हथियार से जंपर पर वार कर देती है। जंपर, मिस डिलाइट के वार से जंपर अधमरा हो जाता है। जंपर, तुम ठीक तो हो ना? गुप्ता जी के पूछने पर जंपर वापस से खड़ा हो जाता है और मिश्रा जी की तरफ जाने लगता है। गुप्ता जी, अब मैं थक गया हूँ मिस डिलाइट को देखते देखते। हाँ मिश्रा जी, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है हमें तेजी से यहाँ से भागना चाहिए। गुप्ता जी का बात जंपर और मिश्रा जी मान लेते हैं, इसलिए तीनों तुरंत वहाँ से भागते हैं, जिसके बाद मिस डिलाइट उन लोगों का पीछा करने लगती है। ओह नो, मिस डिलाइट तो सच में हमारा पीछा करने लग गई। हाँ मिश्रा जी, जल्दी से भागते रहो। मिस डिलाइट से अपना पीछा छुड़वाने के लिए गुप्ता जी, मिश्रा जी और जंपर भागते रहते हैं, पर मिस डिलाइट पीछा छोड़ती नहीं है। गुप्ता जी, मुझे नहीं लगता हम सभी मिस डिलाइट से अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। तीनों भागते भागते काफी थक गया था, इसलिए तीनों रुक जाता है और तुरंत मिस डिलाइट को देखने लगता है। बाल बाल बच गए, मिस डिलाइट तो हमारे बिल्कुल नजदीक आ गई है। मिश्रा जी और जंपर, उसको देखते देखते थोड़ा पीछे आओ, नहीं तो वो हमें मार देगी। गुप्ता जी, आखिर हम कब तक इसे झेलेंगे? हमें बाबा के पास जाना है, इसलिए कुछ दिमाग दौड़ाइए, मिस डिलाइट को मारने का कोई उपाय निकालिए। हाँ मिश्रा जी, हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो चुका है। हमें जल्द ही बाबा के पास जाना है, पर उससे पहले इसको कहीं ठिकाना लगाना होगा। गुप्ता जी फिर से अपना तेज दिमाग लगाते हैं, जहां उनके दिमाग में एक मस्त आइडिया आता है। मिश्रा जी और जंपर, मेरे दिमाग में एक और मस्त उपाय आया है, पर उसे करने से पहले हमें एक और बार पीछे भागना पड़ेगा। तो दोस्तों, गुप्ता जी के दिमाग में इस बार कौन सा नया आइडिया आया होगा, क्या आपको पता है? यदि हाँ तो हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।